Hello students, to welcome to the fourth part of shapes and spaces. Okay, this is my story hai, wife's grandmother. Okay, so let us see the story. Once there was a lamb going to see his grandmother. This lamb is picture mein aapko dikh raha hai na? Ye apni grandmother yani dadi ko milne ja raha tha. Dadi ya nani, dono ko grandmother bolte hai. To apni dadi ko मिलने ग्रैंडमदर को मिलने जा रहा था. ऑन द वे थ्रू द जंगल ही मेट अ वुल्फ. उसको एक वुल्फ मिला. वुल्फ यानी लोमड़ी. आई एम गोइंग टू ईट यू. वो अपने मन ही मन में बोल रहा है कि मैं इसको मैं तुझे खाने वाला हूँ, लेकिन वो उसको बता नहीं रहा, बस मन ही मन में सोच रहा है. ओके, तो फिर नेक्स्ट क्या होता है. प्लीज लेट मी गो. Please let me go. I am going to meet my grandmother. You can eat me when I return. तो ये जो लैम है ये बोलता है कि मैं अपनी दादी को मिलने मैं अपनी ग्रैंडमदर को मिलने जा रहा हूँ, तो तुम मुझे बाद में खाना जब मैं वापस आ रहा हूँ. तो अभी तो मुझे तुम जाने दो. Please let me go. तो वो बोलता है okay, you may go. तो वो बोलता है ठीक है, ये बस खा पी के आ जाएगा तब मैं इसको खाऊंगा. तो when he was about to return, he told the grandmother about the wolf. तो जब वो वापस आने वाला था अपनी ग्रैंडमदर से मिलके, तो उसने अपनी ग्रैंडमदर को बताया कि ऐसे ऐसे मुझे वुल्फ मिला था और वो बोल रहा था वो मुझे खा जाएगा. तो ग्रैंडमदर गेव हिम एन आइडिया. तो उसकी ग्रैंडमदर ने उसको क्या दिया, एक आइडिया दिया. एक आइडिया दी, क्या आइडिया दी, उसने कहा कि गो एंड हाइड योरसेल्फ इन अ ढोलक. ढोलक यानी ये जो आपको दिख रहा है ना पिक्चर में, जैसे ढोलक बजाते हैं ना, तो उसमें जाके तुम बैठ जाओ. तो वो लैम देखो अंदर जाके बैठ गया. ही डिड सो. उसने वैसे ही किया. फिर क्या हुआ, द ग्रैंडमदर रोल्ड द ढोलक ऑन द रोड. उस ग्रैंडमदर ने ऐसे उसको धक्का दिया तो वो ऐसे रोल करता. अभी हमने क्या देखा था, रोलिंग. ओके, तो जिससे जैसी जो चीज रोल करती है उसको ऐसे धक्का दिया तो वो रोल करते ही जाएगी, स्लाइड नहीं करेगी. तो ग्रैंडमदर ने उस ढोलक को धक्का दिया तो वो रोल करते करते देखो रोल पे से जा रही है, ऐसे रोल रोल करके. फिर ढोलक स्टार्टेड रोलिंग डाउन. ढोलक रोल करके जाने लगा. द लैम सॉ द वुल्फ वेटिंग फॉर हिम. तो उसमें देखो आंखें, उसने आंखें इसकी दिख रही है लैम की, उसमें से दिखने के लिए उसने आंखों जगह से ये करके रखा था होल, ताकि वो देख सके कि वुल्फ है नहीं है और फटाक से घर भाग सके. तो लैम ने देखा कि वुल्फ उसकी राह देख रहा था. तो उस वुल्फ ने पूछा कि यू सी अ लैम कमिंग दिस वे. और तुमने किसी लैम को देखा क्या ढोलक इस तरफ आते हुए. तो ढोलक के अंदर से लैम ने बोला नहीं, मैंने तो नहीं देखा. फिर क्या हुआ, द वुल्फ ग्रीन सस्पिशियस एंड स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड द ढोलक. तो वुल्फ को ना थोड़ा सा डाउट आया कि यार इसके अंदर ढोलक के अंदर ही शायद वो लैम है, क्योंकि ढोलक तो कैसे बात करेगा. और जो वुल्फ है वो उसके पीछे भागने लगा ढोलक के पीछे. बिफोर द वुल्फ कुड कैच हिम द लैम रीच्ड होम एंड वाज थैंकफुल टू हिज ग्रैंडमदर. तो जैसे भागा वुल्फ तो लैम फटाक से अपने घर में घुस गया उस ढोलक से निकल के. एंड अपने घर के अंदर देखो यहाँ पे पहुंच गया. ही वाज वेरी थैंकफुल टू हिज ग्रैंडमदर कि उसने उसकी जान बचाई इस आइडिया से. अब वुल्फ बेचारा देखो बाहर देखते ही थे गए. ठीक है, तो हम लोग जो शेप्स हैं वो पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पार्ट 5 में. ओके, सी यू.